चटर्जी जी, इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। ये देश में ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ्य बढ़ न पाए। हम अपने आसपास के देशों में देखते हैं जिन आर्थिक नीतियों को लेकर के कांग्रेस के और सुत साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटाकर वोट पाने का खेल खेल रहे हैं, हमारे आसपास के देश के हालात देख लीजिए, दुनिया के उन देशों की स्थिति देख लीजिए। और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो जनता इनको सुधार देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार की चीजों का दुष्परिणाम हमारे देश पर भी हो रहा है, हमारे राज्यों पर भी हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप वायदों के कारण अब इन राज्यों में जनता के ऊपर नए नए दंड डाले जा रहे हैं, नए नए दो बोझ डाले जा रहे हैं और विकास के प्रोजेक्ट्स बंद करने की घोषणा की जा रही है, विधिवत रूप से घोषणा की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन की जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीतियों का मैं परिणाम साफ देख रहा हूं और इसलिए मैं देशवासियों को चेतावनी, देशवासियों को सत्य समझाना चाहता हूं। ये लोग, ये घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टिकरण की, ये तुष्टिकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को दो शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप थ्री अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप थ्री की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है, ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं, उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी,
लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको भाग जाओ, झूठ फैलाओ भाग जाओ, यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास के सारे विषय पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखकर के कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर, इसका ये परिणाम था।